ये है दिल्ली दर्पण। वाहेगुरु, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी, और इस वक्त हम पीतमपुरा में मौजूद है, जहां पर राजस्थली अपार्टमेंट में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, और इस वक्त हमारे साथ राजस्थली के कुछ लोग मौजूद हैं। तो सर, आप इस समारोह के बारे में कुछ बताइए कि यहां पर किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे हर साल इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। राजस्थली का हर परिवार, हर निवासी इसमें आता है, तो बड़े आप देख ही रहे हैं कितने मस्ती से लोग मना रहे हैं, और हमें उम्मीद है आगे इससे बढ़िया, खूब बढ़िया तरीके से मनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके? स्वतंत्रता आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी के आह्वान के ऊपर पूरी सोसाइटी आप देख रहे हैं किस तरह से सजी हुई है, किस तरह से हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी ने, खास तो विशेष तौर से प्रधान जी ने, जो कि हमारे सोसाइटी को देखो कितनी अच्छी तरह से सजाया, कितने बच्चों ने मार्च पास्ट किया है, रोड पे किया, सारी सोसाइटी के अंदर मार्च पास्ट किया है, और अच्छे से पारितोषिक वितरण चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, और पूरी सोसाइटी ने जिस उत्साह से इस साल प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर, मोदी जी के आह्वान के ऊपर पार्टिसिपेट किया है, यह अविस्मरणीय है, ये याद रखा जाएगा सोसाइटी के इतिहास में। इतनी जोर शोर से पहली बार इतनी जनसंख्या इकट्ठी हुई है, इतने लोग इतने उत्साहित हैं, और इतना जो है ना बिल्कुल प्यार से, और इतने आप भी देख रहे हैं, आप सब मीडिया के लोग आए हुए हैं, और कैसे पारितोषिक वितरण है, कैसे सोसाइटी सजी हुई है, ये सब हमारे प्रधान जी की और पूरी मैनेजिंग कमेटी की और पूरी सोसाइटी की जीत है। पर इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी लोग वैसे जागरूक रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, उसको लेकर जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल। ये महोत्सव मनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, और घर घर में तिरंगे का महत्व इन्होंने बताने का काम किया, 75 साल में ऐसा उत्सव मनाया गया, और ये आने वाले 25 वर्षों तक जो है ये याद रखा जाएगा हमारी सोसाइटी में, इस पूरे दिल्ली में, और यूँ कहें कि पूरे भारत में। ऐसे जो हमारी सोसाइटी में आपने देखा कि भारत को कितने एक सोसाइटी में ही आपने पाया होगा, और सभी लोगों में इतनी उत्साह है, और वास्तव में ये महोत्सव ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा है, इसके पीछे जो मोदी जी की सोच थी उस सोच को साक्षात करने का काम हमारी राजस्थली अपार्टमेंट ने किया है, इसका मुझे पूर्ण बहुत खुशी है, और मैं सभी राजस्थली निवासियों को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा, खासकर आनंद जी को भी धन्यवाद दूंगा, इन सब ने, इनकी कार्यकारिणी ने जो है इस काम को सफल बनाया। किस तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? हमारे यहाँ सब बच्चे पूरे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा जैसे भी हमारा हुआ है, अगले 25 साल तक हम इसको ऐसे ही मनाते रहेंगे, आगे हमारा पूरा बहुत बढ़िया ढंग से मनाएंगे। आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं देश, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की शान है पीतमपुरा, यहाँ पर गणतंत्र दिवस स्वतंत्र दिवस बड़े शान से मनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप आज़ादी के मौके? आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस में हमारे सोसाइटी में जो आज प्रोग्राम मनाया गया, आप सब लोग देख रहे हो कि पूरी सोसाइटी के सारे जितने भी निवासी हैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और जैसे मोदी ने बोला था हर घर तिरंगा, तो इस मिशन से यहाँ पे हर आदमी और इस मिशन से जुड़ा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो पूरा हमारा जो माहौल है बहुत ही लग रहा है कि आज़ादी का अच्छा से जश्न मनाया जा रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए आन बान शान की बात है, कि हमारे वीर जो योद्धा थे उनके नमन करने का समय है, उनको याद करने का समय है, हमारा देश का जो सुशील नेतृत्व है इस महत्व को समझा है और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना हर्षोल्लास है, सभी लोग नीचे आए हैं, सभी बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छे कवरेज की है, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा सोसाइटी के लेवल में। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आप लोग जो हमारे बच्चे हमारे अभिभावक हैं
हमारी माताएं माने सभी लोगों ने पूरा समय दिया है और इस गाथा को 75वें दिवस के मतलब व्यवस्था को उन्होंने समझा है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस मेहनत से हमारे वीर लोगों ने हमारे जो योद्धाओं ने देश को आज़ाद कराया है, हमें उस शान मान को बचा कर रखना है और उनके आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरित करेंगे कि देश में कोई नहीं आँच है, इसके लिए सभी लोग काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें जब हम भारतवर्ष की आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे तो हमारा देश एक विकसित देश हो, उनकी ये इच्छा है और हम पूरे भारतवासियों को इस ओर पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि आने वाले 2047 में हमारा देश विकसित देश हो और हम दुनिया को लीड करें, ये हमारे हर भारत की इच्छा होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से राजस्थली अपार्टमेंट में यहाँ के लोगों ने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया, यहाँ के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ ही बच्चों ने भी काफ़ी उत्साह के साथ इस समारोह में हिस्सा लिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन कमल के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर